इंग्लैंड का दावा है कि उसने T20 क्रिकेट को शुरू किया, जो कि इस सदी की शुरुआत में हुआ था। लेकिन आप भारत पर जाएं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में गेंद से खेलना भी शामिल है, जो कि सब जानते हैं। बहरहाल, यदि T20 क्रिकेट किसी ने शुरू किया है, ईजाद किया है और उसे जन्म दिया है, तो मेरी जानकारी के अनुसार, उन इंदौरी की जानकारी के अनुसार जो 1980 के दशक में से इंदौर में पले बड़े हैं, जन्मे रह रहे हैं, उषा क्रिकेट क्लब, जो कि अब नहीं रहा, लेकिन उषा क्रिकेट क्लब टेनिस गेंद से T20 क्रिकेट खेला करता था। उसके टूर्नामेंट मील एरिया में हुआ करते थे, खासकर नंदा नगर में, पंचम की फेल में, इंदौर समाचार के पीछे जीन ग्राउंड में, छावनी में और शहर के कोने कोने में, राजेंद्र नगर में भी। उन दिनों जब उषा क्रिकेट क्लब T20 क्रिकेट खेल रहा था, तो एक व्यक्ति है जिनकी गेंदबाजी, उसे जादू माना जाता था, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, 4 ओवर 4 मेड इन 5 विकेट, इस तरह का फिगर कई बार होता था, 4 ओवर में 1 रन, जैसा कि कॉटनी बॉल से इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था श्रीलंका के खिलाफ, 1 रन देकर 5 विकेट। मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलना चाहता, साबिर भाई वही लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं। आज भी यदि उनके हाथ में गेंद दे दी जाती, चाहे टेनिस की गेंद हो, क्रिकेट बॉल हो, सीजन बॉल या प्लास्टिक की बॉल, वो उसे 60-70 के एंगल तक घुमा देते हैं। और गेंद घुमाना एक अलग बात है, गेंद बहुत सारे लोग घुमा लेते हैं, लेकिन वे बल्लेबाज की आंखों को पढ़कर, उसकी शारीरिक भाषा को पढ़कर एक ऐसे स्थान पर गेंद डालते हैं जहाँ की सबसे पहला प्रयास बल्लेबाज के लिए डिफेंस करना होता है। साबिर भाई का बहुत स्वागत करता हूँ। वे वर्तमान में भी क्रिकेट को जी रहे हैं, लेकिन हम पुरानी यादों को भी कूरे देंगे। साबिर भाई, ग्लोबल टीवी में आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। इन दिनों आप महाराजा यशवंतराव क्रिकेट क्लब MBCC, जो कि इंदौर का निर्विवाद रूप से नंबर वन क्लब है, वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। जी सर। कैसी दिनचर्या होती है MBCC के लिए आपकी? सर, वैसे तो हम पूरे साल ही क्रिकेट में क्लब में जुड़े रहते हैं, लेकिन खासकर अभी हमारा 1 महीने का कैंप लगता है जी, जो समर कैंप जो हमारे यहाँ पर 10 साल से लेकर 16 साल के बच्चों के लिए होता है, और वो समर कैंप अभी 12 मार्च से 12 अप्रैल तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है। नियर अबाउट 250 से 300 बच्चे हमारे यहाँ पर अभी कैंप में आते हैं, और हम काफ़ी लोग मिलके, जितने भी क्लब के मेंबर्स है या कोचेस वगैरह है, हम लोग सब मिलके उन बच्चों को कोचिंग करते हैं। अच्छा। और बहुत आनंद आता है सर। क्या आप लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर तैयार कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली भाई, हर आदमी या हर कोच जिसमें जो एबिलिटी है उस हिसाब से उनको ये करता है। अब मैं अगर स्पिनर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि अगर कोई बच्चा लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो मैं उसको कुछ ना कुछ टिप्स तो दूँ। अच्छा, अभी कौन है ऐसे बच्चे MBCC है? छोटे बच्चे में तो अभी इस साल कैंप में कम से कम 5-6 बच्चे ऐसे दिखे जिनमें कुछ पोटेंशियल है, और हम लोग बराबर उनको कोच करके बताते हैं कि बेटा अभी आप 12 साल के हैं तो आपको ऐसा करना है, क्योंकि सब चीज़ एक साथ नहीं होती, तो उनको बड़ी सिस्टमेटिक कोचिंग देते हैं। क्लब के अंदर काफ़ी कोचेस अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिनेश शर्मा है, परविंदर सिंह जी रैना है, अमित भट्ट है, और हमने अली भाई है, वो शैलेंद्र रावत है, ऐसे हम लोगों ने कुछ प्रोफेशनल कोच भी रख रखे हैं जी, जो पूरे साल में, जैसे साबिर भाई अजय लंबाते हैं जी, जो कि उनके पास से लोकल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड है। बिल्कुल, यदि मैं गलत नहीं तो अजय लंबाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप एक धनाढ्य परिवार से, इंदौर के जो पुराने परिवार हैं, जो संपन्न रहे, उनमें एक आपका परिवार भी, इसके बाद भी यदि लंबाते जी के बाद किसी को सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग करते देखा गया तो वो आप ही हैं, इस शौक के बारे में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि मैं क्रिकेट बॉल से अंडर 19 MP खेला जी, उसके बाद ये बात है नियर अबाउट 78-79 की जी, उसके बाद मैंने क्रिकेट बॉल से खेलना छोड़कर एम्पायरिंग चालू कर दी। अच्छा। मैंने एम्पायरिंग की एग्ज़ाम पास करने के बाद, मैं ऐसा एक एम्पायर था जो किसी क्लब से खेलता नहीं था, इसलिए एक न्यूट्रल एम्पायर होने के कारण मेरे को इंदौर के पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक एंड से एम्पायरिंग करना पड़ती थी। अच्छा। और इसमें खासकर हमारे संजय जगदाले सर, वो कभी भी कोई भी टूर्नामेंट होता था तो हमेशा कि नहीं भाई वो किसी भी क्लब से नहीं खेलता है, इसलिए उसको दो, क्योंकि वो निर्विरोध एम्पायरिंग करेगा।
और यही कारण है कि मैंने कम से कम 18 से 20 साल तक एक एंड पूरी एम्पायरिंग करती थी, खासकर एक बिदेसिया ट्रॉफी हुआ करती थी संगम क्लब जी, जो कि जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू आए थे लेकिन खेल नहीं पाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो वो टूर्नामेंट नियर अबाउट 5 से 6 साल तक चला। उस पूरे टूर्नामेंट रोजाना 20,000 लोग देखने आते जी जी सर। उस समय नहीं थी जमीन पर, कोई कुछ नहीं थे, और मतलब उस समय वो ऑल इंडिया टूर्नामेंट था और इतनी भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी जैसे आज IPL में लोग इकट्ठा हुआ करते हैं। और उस समय के महान क्रिकेटर्स जैसे कि संदीप पाटिल, श्रीकांत कल्याणी या किरण मोरे, किरमानी जी, संजीव शर्मा और बड़े बड़े क्रिकेटर जो बस जस्ट उस समय इंडिया टीम, हाँ जी वो थे, सिद्धू जी थे, पंडित जी थे अपने इंदौर से, अमिताभ विजयवर्गीय, ये लोग तो खैर बहुत बात के, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये लोग सब, हाँ जी श्रीकांत पंडित जी वगैरह सब, बिल्कुल बिल्कुल सर। और काफ़ी टीमें आया करती थी, खासकर सनग्रेस, भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद, बड़ौदा, दिल्ली, काफ़ी इतनी अच्छी अच्छी टीमें आती थी कि वो टूर्नामेंट ऐसा लगता था इंदौर के लिए एक वरदान है। उस समय में पूरे टिफिन में रोटी बांध के बिल्कुल बिल्कुल सर लगती थी वहाँ बैठा करते, बिल्कुल सर। ऐसे बहुत सारे आप सर के अपवाद कि काफ़ी लोग उस समय, मतलब वो टूर्नामेंट इंदौर के आखिरी कोने में होता था, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम 15,000 से 20,000 लोग वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। आप एक, मतलब मैं आपको बरसों से जानता हूँ, आपका फैन रहा हूँ, जब आप मुझे नहीं जानते थे मैं आपके मैचेस देखने जाता था टेनिस बॉल से। इंदौर समाचार वाला मैच याद है मुझे जिसमें आपकी टीम 25-30 रन में आउट हुई थी, लेकिन आपने 5 विकेट लिए थे और 1 रन ही दिया था 4 ओवर में। आप एक पवित्र आत्मा हैं, स्वच्छ दिल हैं और मीठी जुबान के व्यक्ति हैं आप। मेरे ख्याल में आपका कोई शत्रु नहीं है, बहुत आप छोटे से ही बहुत आदर से बोलते हैं, लेकिन चूंकि एम्पायरिंग एक ऐसा पेशा, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें विवाद पनप ही जाते हैं, तो आपको अपने करियर में कभी ऐसे अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा? एक्चुअली क्या होता है भाई जी कि कोई से भी क्षेत्र में, कोई से भी स्पोर्ट्स में जो भी चीज़ किसी से अगे अपोज में होती है वो उससे संतुष्ट नहीं हो पाता, खासकर क्रिकेट। क्रिकेट में अगर आपने नो बॉल दे दी तो बॉलर संतुष्ट नहीं होता है, बैट्समैन को LBW दे दिया तो वो संतुष्ट नहीं होता। अब तो खैर बहुत आसान हो गया है कि आदमी थर्ड एम्पायर कॉल कर देता है और डिसीजन आ जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, जो एम्पायर ने दिया वही फाइनल। लेकिन जो भी बैट्समैन अगर वो 100% आउट भी होके गया ना, तो बाहर वालों को ये लगता नहीं था कि वो आउट है, वो जाके जैसा बोला ना वैसी सोच इंसान की बन जाती थी एम्पायरों के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि ऐसा लगा हो कि नहीं भाई। हाँ, लेकिन आखिरी में मेरी एज उस समय शायद 44-45 साल होंगी, उस मैं अभी 59 साल का हूँ सर। क्या बात है। तो उस समय आखिरी मैचेस में एक मैच में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी। वो मैच बहुत अच्छा मैच था, शायद सेमीफाइनल मैच था। उस समय इंदौर बैंक हुआ करती थी और विजय क्लब से वो सेमीफाइनल था। उस समय एक मैच के अंदर, अब वो हमारे साथी खिलाड़ी दोस्त इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम शशांक देशमुख हुआ करता था, वो भारतीय स्टेट बैंक में थे, बहुत बड़ा नाम था, हाँ जी, बहुत अच्छे आदमी, बहुत जेंटलमैन आदमी थे। लेकिन कुछ कारण से ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मेरे को बाहर आके कुछ बोला, जिससे उस दिन मन ऐसा लगा कि यार अब छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घर वाले भी ये कहते थे कि बेटा इसमें ही जीवन नहीं है। लेकिन बैकग्राउंड के कारण कोई तकलीफ नहीं थी काम की या इसकी, इसलिए ऐसा लगता था कि नहीं इसमें आनंद आता है। और ईमानदारी की बात, मेरे को एम्पायरिंग करने में बहुत आनंद आता था। लेकिन उसके बाद उस दिन ऐसा लगा कि एक अच्छा दोस्त अपने संग इतनी हार्ड डिस्कस करके और इतने गलत वर्ड यूज़ करके चला गया, तो लगा कि यार शायद अब अपने को नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आप एम्पायरिंग नहीं करते? अब मैं नहीं करता हूँ। लेकिन आप जब मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ को BCCI को अंतर्राष्ट्रीय मैच देता है, IPL देता है, तो आप मीडिया बॉक्स में एक जिम्मेदारी संभालते हैं, उसके बारे में बताएं। सर वो तो वॉलंटियर्स के हिसाब से जो हम लोगों को वहाँ से काम दिया जाता है, जो कमेटी बनती है उसमें जो भी सब जुड़ के काम करते हैं वो हम लोग सब मिलके करते हैं, जहाँ का भी काम हो, चाहे वो मीडिया बॉक्स हो चाहे वो गैलरी का हो। जी, महान कैप्टन मुश्ताक अली साहब, जिन्होंने भारत के लिए पहला टेस्ट मैच शतक बनाया था, उन्होंने आपको बैट दिया था, वो कब की घटना है वो? सर मेरे ख्याल से वो बात 1985 की है। हम लोग उषा क्लब के ऊपर ऐसे आपस में खेला करते थे, तो मुश्ताक साहब भी ठीक पास सामने ही रहते थे GPO थाने के पास में, तो वो ऐसे टहलते हुए आ जाते थे कभी, तो हम लोग देख के रुक जाते थे और हमें बहुत सारी टिप्स दिया करते थे, समझाया करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि बेटा, हम लोग देखा खेलते हुए तो हम पटिए के बैट से खेल रहे थे,
तो उन्होंने अगले दिन हमें एक बैट ला के दिया, वो इंग्लैंड का बैट होता था, स्लिंगजर। उस बैट से आप बिलीव करिए कि ऐसा लगता था कि कोई हम लोगों को कोई स्पेशल चीज़ मिल गई है। और वो बैट से हम लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं करके 10 से 12 साल तक मैचेस खेले और काफ़ी टूर्नामेंट जीते। आज भी वो उसकी छवि आज भी दिमाग में बैठी हुई बैठ। आप यदि आपकी स्मृति में जाएं तो आपने T20 के टेनिस बॉल क्रिकेट में कितने खेले होंगे? सर मेरे ख्याल से हम लोग तो इतने दीवाने थे क्रिकेट के टेनिस बॉल के कि पहले के ज़माने में मतलब 85 से 90 के बीच में नाइट क्रिकेट क्लब चालू हो गया था 20-20 ओवर्स का। तो हम लोग रात के 1-2 बजे तक कहाँ कहाँ खेलते थे। घर वाले कई बार परेशान होते थे कि बेटा तू बोल के गया था कि 10 बजे आ जाएंगे और रात के 1 बजे आ रहे हो। अरे हाँ माँ, वो एक और मैचेस रख दिया था तो दूसरा मैच फिर खेलने लग गए इसलिए लेट हो गए, क्योंकि उस समय तो कोई मोबाइल हुआ नहीं करते थे तो इसलिए घर वाले परेशान हो जाते थे। लेकिन हाँ, वो जो आनंद था वो कभी जीवन में नहीं भूल सकते। मतलब ऐसा बोल सकते हैं आपने हज़ारों मैच खेले शायद। यदि आप उसको अमूमन बोलें तो कितने विकेट लिए होंगे आपने? सर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हाँ एवरेज एक मैच में 3 विकेट का तो है। 3-4 एक विकेट तो बराबर, मतलब वो जो 4-5 ओवर का मैच हुआ करता था पर बॉलर, उसमें आराम से 3-4 विकेट एवरेज निकलते थे। अभी आपके परिवार में कौन कौन है और क्या नाम है? मेरे परिवार में वाइफ है और एक बेटा है। बेटा MBA करके ICICI बैंक में, मेरे बेटे का नाम है शादाब हुसैन। आदरणीय भाभी का नाम फिरोज अभी। एक यदि आप पूछे समझे तो आपने एक बहुत, आप खिलाड़ी तो हैं, फाइटर हैं, आप क्रिकेटर या कोई खिलाड़ी फाइटर होता है, लेकिन आपने ये एक मैच वाली फाइट से ऊपर उस फाइट को जिया है जो बहुत कम लोग उसका सामना कर पाते हैं। आपके 2 पुत्र और 1 पुत्री, यदि आप पूछे समझे तो जवाब दीजिएगा। हाँ, ये अब आपने ये टॉपिक छेड़ा है तो ज़रूर मैं बताऊँगा। मेरे 2 बेटे और थे। क्या नाम है उनका? नाम था एक का नाम, मतलब हम तो घर पे, क्योंकि मैक्सिमम वो घर पे रहे थे, हम लोग उसको मोनू और अच्छू बोलते थे, लेकिन सालिम बिलाल और मोहम्मद शफीक 2 नाम थे। गुड़िया का नाम? दोनों बेटी का नाम नहीं रखा था, वो होते से चले गई। अच्छा। ये दोनों बेटे मेरे 6-6 साल के होके गए हैं और इन बेटों को बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, एक बीमारी हुआ करती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन के अंदर जो मज्जा बनता है मेरो, जी जी, वो नहीं बनता था, उनके कारण उन बच्चों को ब्लड नहीं बनता था। अब ये बीमारी तो हमने कभी जीवन में सुनी नहीं थी। पहली बार जब लगा कि बच्चा यार मोमेंट क्यों नहीं कर रहा है, 2 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, ये वो, डॉक्टर के पास जाते थे, वो मेडिसिन दे देते थे, या फिर कभी कि हेमोग्लोबिन बहुत कम हो गया तो खून चढ़ा देते थे। लेकिन फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि साहब इनको आप बॉम्बे लेके जाओ। जब मैं बॉम्बे लेके गया तो बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर फिर डॉक्टर ने पूरा हमको बैठ कर सिस्टमेटिक बताया कि भैया ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा, और इसमें लाइफ इतनी होती बच्चे की। लेकिन हाँ, मालिक कभी किसी दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ नहीं दे। कितने समय आपने फाइट किया उनके लिए? मेरे दोनों बेटे 6-6 साल होके इस दुनिया से गए। बीमारी का कब पता चला था? बीमारी का 4-5 महीने बाद से ही मालूम पड़ जाता था। ये कौन से सन की बात है? भाई जी, मेरी शादी 79 में हुई। अच्छा। और बड़ा बेटा मेरा जो अभी शादाब है वो अभी 25th ईयर का है, उसके ठीक 2-3 साल बाद वो बेटे आए थे, उसके फिर दूसरा वाला भी 2-3 साल बाद, ऐसा करके 6-6 साल की गैप में। जी, इलाज के लिए जैसे वो जो ट्रीटमेंट होता था वो किस प्रकार का? उसका एक्चुअली ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं था भाई जी, एक ही रहा उस समय कि बच्चों का बोन मैरो ट्रांसफर कराया जाए। अच्छा। और वो भी बोन मैरो ट्रांसफर उसी एज के बच्चे, जस्ट लाइक बोल सकते हैं आपकी वो कैंसर से रिलेटेड है। लेकिन उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट में उस समय लोग बोलते थे कि कम से कम 40-50 लाख का खर्चा है, उसके बाद भी 100% श्योर नहीं कि वो क्योरेबल हो। तो कई डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया कि यार इससे अच्छा है कि आप उनको मत तकलीफ दो। जी, आप मतलब आपके सम्मान में एक बात बोलता हूँ कि टेनिस क्रिकेट में जब जब इंदर को याद किया जाता है आपका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। आज भी आप जिंदगी के 60 रन पूरे करने जा रहे हैं, उसके बाद भी आपका एक क्रिकेटर कोच के रूप में जिंदा है। एम्पायरिंग भली आपने छोड़ दी है, लेकिन आप एक बहुत श्रद्धा के साथ जिमखाना मैदान पर जाते हैं। आप में जितना भी निहित क्रिकेट है या क्रिकेट के लिए कोई भी सेवा की ज़रूरत होती है, चाहे वो MYCC हो या MPC, आप जाते हैं और जो हवन चल रहा है उसमें 4 आहुति अपनी तरफ से देते हैं। आप ऐसे फिट रहें,
लोग आपसे प्रेरणा लें जिंदगी की, जिंदगी का संघर्ष करने की, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने की। मैं आपके लिए इस बात से शो को विराम देता हूँ कि जो काम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शेन वॉन, मुथे, मुरलीधरन ने किया, वही आपने अपने बाएँ हाथ की उंगलियों से टेनिस क्रिकेट के लिए किया। उसका साक्षी मैं खुद हूँ, आपका फैन हूँ, आप यहाँ आए, ग्लोबल टीवी से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने प्यार से हमारा इंटरव्यू लिया। धन्यवाद।